नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद राज त्रिपाठी आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल आनंद भाव में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे वीडियो देख के आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं और इन्वेस्टमेंट करता हूं। उसी से रिलेटेड अपने अनुभव आपसे साझा करता रहता हूं। 5 दिन की वर्किंग होती है, 2 दिन मिल जाते हैं सैटरडे संडे, तो कुछ अपने मन का होता है, लॉकडाउन चल रहा है तो वो शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अब आपको मैं अपनी फैमिली ही मानता हूँ जो भी मुझसे जुड़ गए। इसी फैमिली में किसी मेंबर ने मुझसे अभी कल परसों कहा कि सर, शेयर रिलेटेड आप वीडियो देते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में आप कविता गा देते हैं या कुछ और भेजते हैं तो उससे कुछ हल्कापन आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो हल्की दिखने लगेगी। चलिए फिर 2 दिन सैटरडे और संडे हम लोग इसी हल्केपन पर बात करेंगे और थोड़े से हल्के हो जाते हैं। देखिए, जो आदमी हल्का नहीं है, सरल नहीं है, वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बीमार है। अगर नहीं है तो हो जाएगा। हमेशा सर पे बहुत सारा भार लेके नहीं घूमना है। अपनी कमियों को हम लोग इस तरह छुपाते हैं कि जब बाहर समाज में निकलते हैं कि तो वो सिर्फ हमारी जय जयकार करें, हमारी असीमित क्षमताओं का गुणगान करें। ये ना पता चल जाए कि भैया अकेले में हंस भी लेते हैं, थोड़ा नाच भी लेते हैं। ना ना ना, ये कुछ नहीं पता चलना चाहिए। भैया बहुत सख्त हैं, बहुत गंभीर रहते हैं, इस तरह के मुखौटे लगा के हम लोग समाज में उतरते हैं। कैसे हल्के रह पाएंगे, कैसे मगन रह पाएंगे। पतंग भी तभी उड़ती है आसमान में जब हल्की होती है। जितनी हल्की पतंग होती है और हवा से सामंजस्य बैठाती है, उतना ऊपर जाती है। गुब्बारे में जब हल्की वाली हवा भरी जाती है तब गुब्बारा आसमान में उड़ता है। तो इसलिए काम के दबाव से कुछ फुर्सत के हल्के क्षण निकालिए, कुछ अपने मन का करिए और हमेशा ये याद है कि मर्यादित रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मर्यादा छोड़ दीजिए, लेकिन मर्यादित रहते हो कभी हंस लीजिए, गा लीजिए, गुनगुना लीजिए, थोड़ा झूम लीजिए। इस समय तो वैसे भी स्ट्रेस चल रहा है, तो कभी-कभी ऐसा हो जाना चाहिए, मगन हो जाना चाहिए। कभी-कभी मन कहता है कि यार खिलखिला के हंसो, दहाड़ मार के हंसो। आजकल हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं, तेजी से मत हंसना, एटिकेट्स को फॉलो करो, बैड मैनर्स कहलाता है अगर तेजी से हंसते हैं तो। हंसो भी धीमे, और जब हम खुद बीमार हो जाते हैं तो लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं, लाफ्टर क्लब, हंसने का अभ्यास करने जाते हैं सुबह। ताज्जुब हमें यह होता है कि अब प्रकृति ने जो हंसने का हमें नेचुरल थेरेपी दी है, मतलब हंसना स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, उसका भी हम अभ्यास करने जाते हैं सुबह। क्लास वर्क होमवर्क की तरह काम होता है, ताली बजवाई जाती है, ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं जो होनी चाहिए। इतना ज्यादा हम लोग कंजूस हो गए सारी चीजों में, हैं? इतने अवसाद से भर गए धीरे धीरे, इतनी ज्यादा समस्याएं अपने सर पे ओढ़ ली हैं, फिर वही समस्याएं अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। आपने कभी सुना है, साइकेट्रिस्ट के पास जब जाते हैं तो वो भी कहता है कि शाम को रात में सोते वक्त नींद नहीं आती है तो हल्की फुल्की कहानियां पढ़िए, चंपक पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए, साहित्य नहीं बताता कि गोदान पढ़िए, और क्या कहता है, लाइट म्यूजिक सुनिए। तो हल्के रहना है, सरल रहना है, लाइट रहना है। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मेरी बात से इत्तफाक रखते हैं कि नहीं। बच्चों को संस्कार के नाम पर उनकी आजादी ही छीन ली जा रही है, इतने एटिकेट सिखाए जा रहे हैं कि उनको अब शर्म आने लगी, छोटी छोटी बातों में शर्मा जाते हैं वो, उनको बेइज्जती महसूस होती है।
इतनी ज्यादा इमेज बिल्डिंग कॉन्शियस हो गए हैं, बच्चे अपनी इमेज बनाकर चलते हैं। और फिर यहीं जब ये जो शर्माने की आदत है, फेल होने के डरने की आदत है, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो अवसाद ले लेती है, फिर एक दिन मौका ये आता है कि आत्महत्या करते हैं बच्चे, तो उसके पीछे कारण हम ही लोग हैं। ऐसा उनके सामने प्रस्तुतिकरण हमारा होता है कि फेल ना होना बेटा, सफल होना है हमेशा। जहां पे भी जाना वहां हल्के मत होना, बिल्कुल इमेज पूरी बनी रहनी चाहिए। तभी तो अब जब बच्चों को कभी लेने जाइए तो आप बहुत सूटेड बूटेड नहीं है तो बच्चे शर्मा जाते हैं आपके साथ चलने में। क्या आप इससे सहमत नहीं है? ये कहां से शुरुआत हुई है? इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमने उन्हें हल्के होना सिखाया ही नहीं, भारी भारी हमेशा बड़ी बड़ी बातें। अरे यार, कभी थोड़ा सा गुनगुना भी लो, कभी उनके सामने भी तो थोड़ा, बच्चों के सामने भी तो हल्के हो जाओ। या हमेशा बाथरूम में ही गाना गाएंगे आप? बच्चों के साथ नहीं गाएंगे, बच्चों के साथ घुले मिलेंगे नहीं, उनके सामने एक आदर्श पिता की तरह रहेंगे, बड़े बड़े उन आदर्श स्थापित करेंगे। जब जरूरत से ज्यादा आदर्श थोपे जाने लगते हैं तो फिर अच्छे की जगह बुरा परिणाम देने लगते हैं। मन दिमाग विकसित होने की जगह कुंद होने लगता है, विद्रोह करने लगता है, कट्टरता आ जाती है, सारी मधुरता और सहिष्णुता जाती रहती है। तो इसलिए शर्माना छोड़िए, झूठे मुखौटों से कभी कभी अपने चेहरे को, अपने मन को आराम दे दिया करिए। और ये तो बिल्कुल डरना समाज में छोड़ दीजिए, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को कहने दीजिए, आप मस्त रहिए। आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि खुद में भी जीना सीखना है, खुद भी मस्त रहना है, हल्के रहना है, सरल रहना है। ये बात मेरी ध्यान से गांठ बांध के कहीं नोट कर लीजिए कि अगर आत्मविश्वास से, आत्मबल से भरना है तो कभी कभी अपने मन का जरूर करना जो अच्छा लगता है। अपनी आत्मा को, अपनी स्वच्छंदता को नहीं मारना है, मर्यादित रहिए। बाकी तो आप बंधन में बंधे हुए हैं, काम के प्रति कमिटेड हैं, यांत्रिक हो ही गए, वो तो सब कर ही रहे हैं। कभी आपने सोचा है, जब तक हम इस प्रकृति में खुली हवा में सांस लेते रहते हैं बिना किसी बीमारी के, तकलीफ के, तब तक हमको उसका महत्व नहीं पता चलता है। लेकिन अचानक किसी दिन हम अस्पताल में दाखिल होते हैं और हमको वेंटिलेटर पर स्थापित कर दिया जाता है, तब पता चलता है कि ऑक्सीजन लेने के लिए हर सांस की कीमत चुकानी पड़ती है। बड़े ताज्जुब की बात है कि प्रकृति ने जो जो चीज़ें हमें फ्री में दे रखी, पानी, हवा, प्रकाश, इन सब की सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती जब इनकी ज़रूरत होती है। और आजकल तो विडंबना देखिए, प्रकृति कितनी शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, लेकिन हवा नहीं ले सकते, मास्क लगाना पड़ रहा है, हवा भी खुल के नहीं ले सकते। विडंबना देखिए, हवा सबसे शुद्ध है इस समय, मास्क लगाए हुए हैं। और मौत का भय इतना है कि जितने सारी भौतिक चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी की थी वो सब एकदम एक कोने में पड़ी हैं। सबसे पहले प्राथमिकता है कि भैया ठीक हो जाए कैसे। इसीलिए प्रकृति और ईश्वर ने जीवन में ये मौका हम लोग को दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है कि अपने स्वभाव में रहिए, मगन रहिए, आनंद भाव में रहिए। इस लॉकडाउन में अपने को भरपूर रिचार्ज कर लीजिए, टॉप अप कर लीजिए। कोरोना का शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए वायरस को तहे दिल से कि उसने जिंदगी जीने के वो मायने फिर से सिखा दिए हैं जो हमारी पीढ़ी ने हमको दिए तो थे, पिछली पीढ़ी ने, लेकिन हम भूल गए थे। हम पद प्रतिष्ठा, काम धंधे को बढ़ाने के चक्कर में इतना ज़्यादा मशगूल हो गए थे कि भुला दिया था
एक बार फिर प्रकृति ने हमें संवेदनशील बना दिया है, करुणा से भर दिया है। हम अपने लोगों को महत्व दे रहे हैं, अपने बुजुर्गों के पास समय दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, हर वो छोटी छोटी बात कर रहे हैं जिस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। असल में ये छोटी छोटी बातें ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो जो छोटे छोटे क्षण हम लोग जीना भूल गए थे, भुला दिया था, उनको फिर से जी रहे हैं। ये छोटे छोटे क्षण ही तो महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम जीते ही नहीं। बड़ी बड़ी पकड़ में छोटे छोटे आनंद कहीं गुम हो जाते हैं, इसलिए इन्हें, इन पलों को कैद कर लीजिए। बैठ जाइए, आनंद लीजिए, सरल हो जाइए और हल्के हो जाइए और बैठ के एक लंबी सांस लीजिए। सांस लेना जरूरी है, हंसना जरूरी है, दहाड़ मार के हंसना जरूरी है। आज इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को, इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार।